Thank you so much.
लेस वगैरह है, ये सारी चीज़ें सरसों है, ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ के जो लोग होंगे उनकी बॉडी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये खाना चाहिए। अगर हम राजस्थान जाते हैं, हिमाचल जाते हैं या अदर स्टेट में केरला जाते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग जो फूड है वहाँ पे उन लोगों को खाना चाहिए, राइट? एम आई राइट? तो वही चीज़ है, ये नहीं कि हमारे एरिया में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है हमें वो चीज़ क्यों खानी है। तो गॉड ने जो चीज़ क्रिएट करी है ना वो अकॉर्डिंगली क्रिएट करी है। जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टेंडेंसी है, तो वहाँ का जो एडेप्टेशन है वही हमें फॉलो करना चाहिए, वही हैबिटेट में हमें रहना चाहिए, राइट? तो मेडिसिन को मैंने कह रही मेडिसिन आप बंद कीजिए, नेसेसिटी है उतनी खाइए बट एक्सेस में नहीं खानी चाहिए। बाकी वॉक को फॉलो कीजिए, चाहे आप 30 मिनट्स का कीजिए डेली वॉक, डेली होनी चाहिए। राइट फूड खाना है आपको, बट उसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए राइट टेम्परेचर होना चाहिए। वो राइट टेम्परेचर कैसे हुआ उसके लिए आप मुझे बता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। बाकी फूड इज मेडिसिन है, हमारा बॉडी क्लॉक है, मीन्स कि हमें रात को मैक्सिमम 7 से 7:30 तक हमें खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वर्क करना बंद कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, तो उसके बाद अगर हम जो खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में जमा हो रहा है, तो फैट को कन्वर्ट कर रहा है, वो जाके सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉडी क्लॉक को हमें देखते हुए हमें पूरा क्लॉक से हमारा बॉडी क्लॉक स्टार्ट होता है और सिग्नल क्लॉक पे खत्म हो जाता है। तो उसका एक हम फर्दर सेशन लेंगे, वो एक पूरा लंबा सेशन जाएगा, बॉडी क्लॉक कैसे वर्क करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स वो अकॉर्डिंगली उनका भी टाइमिंग होता है, वो कैसे काम करते हैं, वी विल डिस्कस एनी अदर टाइम। इस टाइम मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, न्यूट्रिशंस को फॉलो करें अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अपने ईटिंग हैबिट्स रखें, मेडिसिन को अवॉइड करें, जंक फूड फास्ट फूड्स को अवॉइड करें और योगा एंड वॉक को फॉलो करते